नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अमेजमेंट ब्लॉग में। आज मैं बिहार के इतिहास की सबसे खास और सुनहरे चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, जो कि महज एक खंडहर बनकर रह चुका है। आज मैं बात करने वाला हूं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्ता प्रथम को दिया जा सकता है। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र रह चुका है। गुप्ता डायनेस्टी के पतन के बाद आई डायनेस्टी ने भी इसका बखूबी ख्याल रखा। इस विश्वविद्यालय का परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। इसमें घुसने के लिए मात्र एक मुख्य गेट था। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक कई देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। इस विद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो कि भारत के साथ साथ कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की से आए हुए थे। इस विश्वविद्यालय में आपको 300 कमरों के साथ साथ 7 बड़े बड़े हॉल और स्टडी के लिए 9 फ्लोर की लाइब्रेरी थी, जिसमें 3,00,000 से ज़्यादा पुस्तकें थीं। सन 1199 में तुर्क के आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लोगों का कहना था कि उसने नष्ट इसलिए किया क्योंकि एक बार जब वो बीमार पड़ा तब उसके सारे हकीम फेल पड़ गए और इसी विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के मुख्य आचार्य को बख्तियार खिलजी के इलाज के लिए बुलाया गया। बख्तियार खिलजी का एक ऐसा शर्त था जिसे सुनने आचार्य जी दुखी हो गए। बख्तियार का ऐसा कहना था कि उसके इलाज में हिंदू दवाई का प्रयोग ना हो। यह शर्त मानते हुए भी आचार्य ने उसका इलाज करवा, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बस इसी कारण से उसे जलन हुई कि हमारे हकीमों ने जो ना कर पाए वो इस विश्वविद्यालय के एक आचार्य ने कर दिया। बख्तियार खिलजी ने सिर्फ इस जगह को नष्ट ही नहीं किया बल्कि इसमें आग लगा दी। और लोगों का मानना है कि इसमें इतनी सारी किताबें थी कि 3 महीने तक लगातार वो आग जलती रही। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और इसे नष्ट करने के पीछे की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और प्लीज़ स्वस्थ रहें, सेफ रहें।